गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोडे प्लॉट की अगली सीरीज में हम अपने अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन 1/1 j ओमेगा t टाइप का हो, मींस अभी इसके पहले जो हमने किया था पिछले वीडियो में वो न्यूमरेटर में 1+j ओमेगा t था, अब जो हम करने जा रहे हैं डिनोमिनेटर में 1+j ओमेगा t है, ठीक है जी। इस केस में अब आपका जो एंगल होगा वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक, एंगल रिवर्स हो जाएगा, ठीक है जी। और चूंकि ये अब डिनोमिनेटर में आ गया है तो अब जो आपका स्लोप होगा स्लोप भी रिवर्स हो जाएगा। तो जहां अभी +20 dB पर डिकेड जा रहा था अब वो क्या हो जाएगा, -20 dB पर डिकेड आ जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए, तो देखिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 1/t अभी भी आ रही है, ठीक ना। तो 1/t पर आपकी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगी वो उस पर जो आपका स्लोप आएगा उसके बाद कितना आएगा, -20 dB पर डिकेड, ठीक है जी, और उसके पहले 0 dB पर डिकेड, ठीक। अच्छा अब बात आती है इसकी एंगल की, फेस प्लॉट की। तो उधर जो हमारा फेस प्लॉट था वो 0 से 90 डिग्री जा रहा था, अब ये रिवर्स हो गया तो 0 से -90 जाएगा, ठीक है जी। अब आपके सामने जो सिस्टम है ये एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब इस टाइप का आपके पास कोई ट्रांसफर फंक्शन आता है तो फिर आप क्या करते हैं, ठीक ना। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसके लिए आपको इतना सब जो प्रोसेस किया गया है बस ये बताने के लिए है कि इनकी वैल्यू क्या होती है और कहाँ पर होती है, ठीक ना। तो मैं उसको समराइज कर देता हूँ आपके लिए। तो देखो एक आपका जो पैरामीटर है यहाँ पर u लिया गया है, दैट इज़ u इज़ इक्वल टू ω/ω n, ठीक ना। u इज़ इक्वल टू ω/ω n। जब ये u आपका much less than 1 होगा उस टाइम आपका मैग्नीट्यूड क्या है, 0, ठीक ना, और एंगल कितना है, -tan inverse 2 ζ u। When u is much greater than 1 उस टाइम पे जो आपका मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो है -40 log base 10 ω - log base 10 ω n, ठीक है। और ये दोनों ग्राफ आपके जो क्या नाम है 0 dB वाली लाइन है उसको कट कहाँ करेंगे, मीन्स कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कहाँ आएगी। तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आप सीधे यहाँ से ले सकते हैं जहाँ ये ω/ω n है, तो ω = ω n आपका क्या आ जाएगा, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, ठीक। अच्छा ω = ω n पर आपका जो एंगल होगा वो कितना होगा, -90 डिग्री, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -90 डिग्री। अच्छा अब देखो प्लॉट कैसे होगा। तो जब आप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को प्लॉट करने चल रहे हैं, इसके पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम किया था तो कितना स्लोप था, 20 dB पर डिकेड। अब चूंकि डिनोमिनेटर में जब आए थे तो -20 dB हो गया था, यहाँ पे s का फंक्शन डिनोमिनेटर में है, ठीक ना। तो जब डिनोमिनेटर में है तो अभी भी माइनस होगा, लेकिन चूंकि ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो क्या हो जाएगा, 20 × 2 = 40 dB, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जो आपका स्लोप होगा इनिशियल स्लोप वो कितना आ जाएगा, -40 dB पर डिकेड। ध्यान देना इनिशियल स्लोप क्या आएगा, -40 dB पर डिकेड, और कहाँ से स्टार्ट होगा, ω = ω n से। उसके पहले स्लोप कितना होगा, 0 dB पर डिकेड, ठीक है जी। और फेज प्लॉट आपका कैसे होगा, फेज प्लॉट आपका इनिशियल वैल्यू 0 है और फाइनल वैल्यू 90 डिग्री ω = ω n पर, ठीक ना। तो 0 से चलेगा और -90 के पैरेलल वो इन्फिनिटी पर चला जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका बनता है मैग्नीट्यूड एंड फेज प्लॉट सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, ठीक है। और इनिशियल स्लोप भी मैंने आपको लगभग हर सिस्टम का बता दिया है, हर टाइप के सिस्टम का इनिशियल स्लोप बता दिया है, ठीक। तो टाइप 0 सिस्टम के लिए इनिशियल स्लोप क्या होगा, टाइप 0 सिस्टम के लिए इनिशियल स्लोप 0 dB पर डिकेड का होगा, और कहाँ से स्टार्ट होगा, 20 log base 10 k से स्टार्ट होगा। टाइप 1 सिस्टम है
टाइप वन सिस्टम क्या इनिशियल स्लोप क्या होगा, -20 dB पर डिकेड होगा। और वो जो -20 dB पर डिकेड होगा वो कहाँ से होकर जाएगा, वो 0 dB वाली लाइन को ओमेगा इज इक्वल टू के पर इंटरसेक्ट करेगा। टाइप टू सिस्टम होगा तो वो क्या करेगा, वो 0 dB वाली लाइन को ओमेगा इज इक्वल टू √K पर इंटरसेक्ट करेगा और इनिशियल स्लोप कितना होगा, -40 dB पर डिकेड। ठीक ना, इस टाइप से आपका जो है वेरी करता रहता है। जैसे आपके सामने ये टेबल है, आप देखेंगे टाइप ऑफ द सिस्टम, इनिशियल स्लोप एंड इंटरसेक्शन विद द 0 dB एक्सिस। तो क्या क्या लिखा है देखो, टाइप जीरो सिस्टम इनिशियल स्लोप 0 dB पर डिकेड एंड पैरेलल टू 0 dB एक्सिस। टाइप वन सिस्टम -20 dB पर डिकेड एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ओमेगा इज इक्वल टू के। टाइप टू सिस्टम -40 dB पर डिकेड इन इंटरसेक्शन ओमेगा इज इक्वल टू √K। ठीक ना, इस टाइप से ये वेरी करता रहता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।